से चंबल नदी में अर्धनग्न होकर युवा उतरे हैं। उनका कहना है कि हर एग्जाम से पहले पेपर आउट हो जाता है। जो युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं उनकी जो मेहनत है वो भी बेकार जाती है। ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तो युवाओं ने चंबल नदी में अर्ध नग्न खड़े होकर ये प्रदर्शन किया। कड़ाके की सर्दी में चंबल नदी में उतरे आक्रोशित युवा, उनका कहना है कि हर भर्ती परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जाता है, साथ ही तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत बेकार हो जाती है। जो छात्र मेहनत कर रहे हैं पेपर आउट होने की वजह से उनकी मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो पेपर लीक मामले को लेकर यह अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं की तरफ से। चंबल नदी में अर्धनग्न होकर उतरे युवा और इतनी कड़ाके की ठंड में चंबल नदी में ये युवा उतरे हैं, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उनके माँ बाप उनको कर्जा लेके कोटा में हर जगह कोचिंग कराने इंस्टीट्यूट में भेज, उसके बाद उनको पता लगता है कि हम जिस चीज़ के लिए मेहनत करें उसी का पेपर अगले दिन लीक हो गया है, आउट हो गया है, उनकी मेहनत जहाँ की जहाँ रह जाए। तो हमारी यही मांगे हैं कि भाई जो पेपर निरस्त हुआ है इसे पूरी तरीके से रद्द किया जाए, शिक्षक भर्ती को पूरी को रद्द किया जाए ताकि जिस बच्चों को मौका नहीं मिला है उन्हें पुनः मौका मिले। नाम बता दो आपका। सुरेश वाल का, पूर्व शासन अध्यक्ष कोटा। राजेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, ये तमाम युवा जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं चंबल नदी में अर्धनग्न होकर, इनकी मांग है कि परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जाते हैं, ऐसे में जो प्रशासन है वो सख्त क्यों नहीं होता, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती, अब पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी के कारण, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो पेपर लीक मामले में अनोखा प्रदर्शन युवाओं की तरफ से किया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में चंबल नदी में अर्धनग्न होकर युवा उतरे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि हर एग्जाम से पहले, हर परीक्षा से पहले आखिर ऐसा क्यों होता है कि पेपर आउट हो जाता है। जो तमाम जो युवा हैं परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं पूरे वर्ष पूरे साल, ऐसे में उनकी जो मेहनत है वो भी खराब हो जाती है क्योंकि पेपर कैंसिल हो जाता है। तो ये ठीक नहीं है और इसी को लेकर आक्रोशित ये युवा जो कि चंबल नदी में उतरकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, उनकी मांग है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था कब तक रहेगी, ये ठीक क्यों नहीं होती, हर परीक्षा से पहले परीक्षा पेपर क्यों आउट हो जाता है। जो परीक्षार्थी मेहनत करते हैं इन प्रतियोगिताओं की, ऐसे में उनकी जो मेहनत होती है पूरे वर्ष भर की वो भी खराब हो जाती है, वो मेहनत जाया चली जाती है। तो ऐसे में प्रशासन को अपनी व्यवस्था को लेकर काम करना चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। तो राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेंद्र भारद्वाज, जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चंबल नदी में खड़े होकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, उनका कहना है कि हर परीक्षा से पहले आखिर पेपर आउट क्यों हो जाता है, इस तरह की तमाम उनकी बातें हैं, उनकी मांगे हैं। आपसे जानना चाहूंगी पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में आज छात्रों का विरोध देखने को मिला। छात्रों ने चंबल नदी में पानी में उतरकर यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। काफी युवा इस भर्ती परीक्षा को लेकर काफी नाराज है। उनका कहना है कि जब भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है उसके पहले पेपर आउट हो जाता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारों को कहीं ना कहीं उचित कदम उठाने चाहिए, पेपर जो लीक होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। जी ठीक है। ये देखिए, अब कुछ कितनी संख्या में ये जो छात्र हैं जो कि प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, और क्योंकि देखिए इतनी कड़ाके की ठंड में नदी में ये प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया? अगर बात की जाए प्रदेश में, तो प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और लगातार कड़ाके की सर्दी प्रदेश में देखने को मिल रही है। ऐसे में छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं उनके रोष को दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 से 40 की संख्या में ये छात्र
चंबल नदी में उतरे हैं और साथ में बीतरा कुंड पर जाकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। फिलहाल प्रशासन का इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है, किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। मगर फिलहाल अगर बात की जाए, जो छात्र लंबे समय से तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की और उसके बाद में जिस तरह से छात्रों को निराशा देखने को मिलती है, तो उस तरह से इन छात्रों का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं जायज नजर आता है। जी चलिए ठीक, राजेंद्र बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।